हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश की सैर करने जा रहे हैं, उस देश का भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इसे दुनिया का दूसरा इंडिया भी कहा जाता है। ये देश इतना खूबसूरत है कि ये अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बना देती है। एक ऐसा देश जहाँ आपको ढेर सारे मंदिरें देखने को मिलेंगे। इस देश में कोई भी इंसान चप्पल पहनकर घर के अंदर नहीं जाते। ये एक ऐसा देश है दोस्तों, जिसे ब्रिटिश कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं और ये आपको हमेशा हंसाते हुए ही दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित एक आइसलैंड नेशन फिजी की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिजी देश की एक शानदार और खूबसूरत सफर पर और जानते हैं इस देश की रोमांचक बातों को। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिजी है। इस देश की कुल आबादी 9 लाख के आसपास है, जिनमें 60% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 40% लोग गाँव में। दोस्तों, फिजी देश को जवानों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय इस देश की औसतन उम्र 27 साल है। फिजी देश का राजधानी शहर सुवा है, जो इस देश का प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ प्रमुख व्यवसाय केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुवा शहर में सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। यहाँ पर हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो बारिश होती ही होती है। यहाँ खूबसूरत इमारतें, आकर्षक कैफे, शॉपिंग मॉल और लोकल मार्केट भी मौजूद है, जो शहर को और भी खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, फिजी देश में 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ये है इंग्लिश, हिंदी और फिजियन। इसी वजह से इस देश में जो कोई भी घूमने आता है, उसे कन्वर्सेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अगर आप भारत देश से हैं और फिजी देश घूमने के लिए गए, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई हिंदी और इंग्लिश बोलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिजी देश 334 अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 110 ही ऐसे आइलैंड हैं जहाँ इंसान रहते हैं और बाकी के आइलैंड में कोई नहीं जाता। यहाँ के लोगों का मानना है कि कई ऐसे आइलैंड हैं जो नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और वहाँ आज तक कोई नहीं गया। दोस्तों, आपको बता दें कि फिजी के लोग बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। यहाँ हर बात के लिए कुछ ना कुछ टोटका किया जाता है। जैसे कि अगर किसी के घर में नींबू गिरा है तो उसे अशुभ मानते हैं। वहीं अगर कोई घर से निकल रहा है और किसी ने गलती से भी छींक मार दी, तो वो कुछ देर के लिए वहीं रुक जाते हैं। फिजी देश में एक ऐसी परंपरा है जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। इस देश में जब भी किसी की शादी होती है, तो लड़के को लड़की के पिता को व्हेल मछली के दांत देने होते हैं। दोस्तों, फिजी देश का एजुकेशन सिस्टम कमाल का है। यहाँ पर हर किसी को स्कूल जाना ही होता है और हर किसी को बेसिक नॉलेज लेना ही होता है। फिजी के सरकार का मानना है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ही देश की सबसे बड़ी ताकत होगी, और यही कारण है कि 1992 में यहाँ की लिटरेसी रेट 92% थी और साल 2019 आते आते 100% हो गई। लेकिन आपको बता दें कि फिजी के लोग आज के दिन में भी बहुत गरीब हैं। इस देश में आज भी 45% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और इसका मेन रीजन है इस देश का करप्शन। दोस्तों, फिजी देश में करप्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हर काम के लिए आपको टेबल के नीचे पैसे देने होते हैं। अगर आप पैसे देते हैं तो आपका काम तुरंत हो जाता है, और अगर नहीं देते हैं तो आपका काम नहीं बनता, और इसी वजह से जो लोग गरीब हैं वो स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं और पैसे वाले लोग ऊपर उठ जाते हैं। वेल दोस्तों, फिजी देश को सॉफ्ट कॉरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है यहाँ पर 4000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ कॉरल रीफ। ये कॉरल रीफ फिजी देश को हद से ज्यादा खूबसूरत बनाती है, और यही वजह है कि इस देश में हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। दोस्तों, फिजी देश में रहने वाले भारतीयों में से ज्यादातर लोग हिंदू हैं। यहाँ के हिंदू घरों में आमतौर पर आरती और हनुमान चालीसा पढ़े जाते हैं। दिवाली और होली का त्योहार भी पूरी आस्था और निष्ठा के साथ मनाते हैं यहाँ के लोग।
दोस्तों, हिंदुस्तान की ही तरह फिजी देश में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत मंदिर देखने को मिल जाते हैं। फिजी देश का सबसे बड़ा और खूबसूरत मंदिर श्री शिव सुब्रमण्यम मंदिर है। दोस्तों, फिजी के लोगों के बीच में रबी खेलना बहुत पॉपुलर है। यहाँ आपको हर संडे घर के बाहर रबी खेलते हुए लोग नजर आ जाएंगे। रबी गेम इस देश का नेशनल स्पोर्ट भी है। फिजी देश में गन्ने की खेती बड़े तादाद में की जाती है और यहाँ से कई सारे देशों में चीनी का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, फिजी देश का सबसे फेमस और पॉपुलर फूड है कोकोड़ा, जो यहाँ का नेशनल फूड भी है। साथ ही रॉ फिश यहाँ के लोगों के बीच बहुत फेमस है। जैसे हमारे देश में फिश को फ्राई किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर या तो बॉइल किया जाता है या फिर फिश को रॉ ही खाया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग भारतीय होने के कारण यहाँ इंडियन फूड भी खूब मिलते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों में ग्रीन टी पीना बहुत पॉपुलर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ग्रीन टी के पीने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और हेल्थ भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये थी फिजी देश की कुछ अनोखी और रोमांचक बातें जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।